मझुआ विधानसभा के पसियाही ग्राम सभा में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन के नेतृत्व बिंदु सोनकर मंडल उपाध्यक्ष के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय नारी शक्तिकरण के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरती बहेरा व उनके साथी पूर्णिमा पांडे उत्तर प्रदेश प्रभारी व सह प्रभारी संध्या तिवारी मौजूद रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता बहेरा निवासिनी झारखंड ने कहा कि आज की महिलाएं सिर्फ घर गृहस्थी को संभालने तक सीमित नहीं बल्कि हर क्षेत्र में उन्होंने उपस्थिति दर्ज करा दी है। व्यवसायिक क्षेत्र हो या पारिवारिक, महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि हर काम को वो कर सकती हैं जो कभी पुरुषों के योग्य समझा जाता था। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले महिलाओं के पास किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता ना होने के कारण उनकी सामाजिक और पारिवारिक स्थिति एक पराश्रित से अधिक कुछ नहीं थी, जिससे हर कदम पर एक पुरुष के सहारे की जरूरत पड़ती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में महिला शक्ति की व्यवहार में अत्यधिक तेजी देखी गई। इन्हीं प्रयोग में परिणाम स्वरूप महिलाओं के आत्मविश्वास में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। वह किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार करने में लगी है। हमारा उद्देश्य है कि उन्होंने कहा कि जहां सरकारें महिला उत्थान के उद्देश्यों से नई नई योजनाएं बनाने में लगी है, वहीं गैर सरकारी संगठन भी उनके अधिकारों के लिए आवाज़ बुलंद करने में लगे हैं। इसी के अंतर्गत हमारी राष्ट्रीय नारी शक्तिकरण संगठन गरीब विधवाओं बेरोजगारों महिलाओं के लिए गांव-गांव में महिलाओं को जागरूक कर स्वयं आत्मनिर्भर बनने का कार्यक्रम चलाने वाली है। जैसे ब्यूटिशियन, सिलाई, कंप्यूटर्स, हमारी संस्था द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को स्वयं रोजगार चलाने के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने का भी कार्य करेगी। राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण मंडल उपाध्यक्ष बिंदु सोनकर ने कहा कि पसियाही गांव में एक सेंटर बनाया जाएगा जहां महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें स्वयं रोजगार करने के लिए आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इस मौके पर ग्राम प्रधान रजनी साहनी, पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य सुजीत सिंह, गुलाब सोनकर, रमेश सोनकर, पूर्व जिला पंचायत द्वारा सोनकर, सैकड़ों महिलाएं उपस्थित रही। आज जो ये पसियाही ग्राम सभा में एक कार्यक्रम नारी शक्ति का संगठन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यह है कि हम लोग को जो बेरोजगार महिलाएं हैं उन लोग को रोजगार दिलाना है, जो विधवा महिलाएं हैं उन लोग को सारा सरकारी सुविधा मिले। और यहां से बहुत सारी महिलाएं नारी शक्ति से जुड़ी हुई है। हम चाह रहे हैं कि सबको रोजगार का व्यवस्था किया जाए और सारी महिलाओं को जो विधवा है उसको पेंशन से लेकर पारिवारिक लाभ से लेकर उनका बच्चे लोग को अच्छे स्कूल में पढ़ाए जाए। और इसमें क्या क्या आपकी सुविधा है संगठन में, आप महिलाओं के लिए क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराते हैं? सबसे बड़ा सुविधा यह है कि नारी शक्ति किसी से पैसा नहीं लेती है, निःशुल्क काम करती है। महिला उत्पीड़न जो पति पत्नी सास बहू लड़का लड़की ये सारा केसेस भी देखती है। और साथ में जहाँ पर बिजली नहीं है, जहाँ पर पानी नहीं है, उसके लिए भी महिलाएं सरकार से लड़ के ले। महिला कमज़ोर नहीं है, महिला मजबूत है, महिला लीडर है, महिला आगे आके अपना काम खुद करवा सकती है। अगर मान लीजिए ये गांव में पानी नहीं है तो महिला खुद लिखेगी सरकार को कि इस गांव में पानी नहीं है, हमें पानी चाहिए। महिलाएं घर का बर्तन मांजने या झाड़ू पोछा लगाने या खाना बनाने तक ही नहीं, खाना भी बनाए, झाड़ू पोछा भी लगाए, पर उस वक्त समाज के लिए भी करते। आज आप इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस ग्राम सभा में क्या विशेष यहाँ से नारियों को देना चाहेंगी आप? जी, मैं महिलाओं को जागरूक करने के लिए यहाँ पहुँची हुई और इस महिलाओं को मैं बहुत कुछ करूँगी, सिलाई कढ़ाई बुनाई और जितना भी सुविधाएं हैं मैं कोशिश करूँगी इन लोगों तक पहुँचे और इन लोग भी आगे आकर काम करें। यहाँ के आयोजक कौन है? बिंदु बुला दीजिए थोड़ा सा, यही ले लीजिए ना का दीजिए, आप यहाँ का आयोजक है ना, एक बता दीजिए क्या हैं आप इस संगठन के, क्या हैं? आप इस आज इस कार्यक्रम के आयोजक हैं और यहाँ का कार्यक्रम रखने का क्या उद्देश्य रहा है आपका? यहाँ का उद्देश्य यह रहा है हमारा यहाँ पर कार्यक्रम रखने का कि हम नारियों को सशक्त बनाएं। यहाँ पे जो लेडीज जो कुछ नहीं कर पा रही उनको आत्मनिर्भर बनाएं, रोजगार मिले और यहाँ पे जो भी सुविधाएं इन लोगों को नहीं उपलब्ध हो पा रही है उनको उपलब्ध हो